अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ पीरज़ादा कासिम साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि कैसा रहा आज का सेशन। हमारी खुशकिस्मती है कि आज पीरज़ादा कासिम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है। जी जी। अब ये कॉन्फ्रेंस जो है उसका आज आखिरी दिन इजलास था, मगर हमें जानना ये चाहिए कि 12 साल पहले जो एक रिवायत कायम की गई थी, तो उस रिवायत को आगे बढ़ने का मौका मिला। बिल्कुल। और इस पर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और अहमद शाह जो उसके सदर हैं और बहुत जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको ज़िंदा रखा और इसकी माना आफनी को बढ़ाया। यानी पहला जलसा भी मुझे याद है, मैं तो 12 साल से मुसलसल इस कॉन्फ्रेंस में हूँ, और उसके मुकाबले में आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जिसकी बहुत मुझे खुशी है वो ये कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों की शिरकत बढ़ती चली गई, और आज नौजवानों की जितनी बड़ी तादाद आप यहाँ देख रहे हैं साल ब साल होते होते, ये एक नहायत ही खुशकुन सूरत हाल है। इसलिए कि अगर हमारी ज़बान, हमारी सकाफ़त, पाकिस्तानी ज़बानें, दीगर ज़बानें, उसकी अपनी सकाफ़त होती है, अगर वो कहीं ज़िंदा रहेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो तो फिर नौजवान ही है ना जो उसे आगे लेके जाएंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम अपनी मुंतकली कर रहे हैं अपनी तहजीब की।